एकादशी महामहोत्सव की जय। तो हम आ चुके हैं श्री जी के और अपने प्यारे बाबा की कृपा से बरसाना धाम। ये ऑलवेज मेरी छोटी बहन और इस बार तो मेरी मैया भी आई हैं, देखो उजाले से आते हैं। बहुत समय बाद, बहुत टाइम बाद मम्मा आई हैं, क्योंकि हमारे बाबा का अभिभावक दिवस है। अभिभावक बर्थडे है, प्यारा प्यारा बर्थडे है हमारे प्यारे बाबा का। तो उसका उत्सव है, तो मम्मी ने कहा कि हमें भी जाना है, हम भी दर्शन करेंगे। मैंने कहा चलो, तो हम आए हैं। आज एकादशी का कीर्तन है और कल होगा उत्सव, तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा। बात के लेकर आओ, जो चुन्नी भूल, तो वो चुन्नी भूल गई। हम बाबा के लिए चुन्नी बना के लेकर आते हैं, तो वो कह रही है कि भूल गई, तो वो लेने गई है भाग के जल्दी से। श्री जी के पास आए हैं और थोड़ा लेट है क्योंकि अभी लेट आए हैं हम, तो अब डायरेक्ट हम बाबा के पास जा रहे हैं और फिर सुबह मंगला दर्शन करेंगे। आप बने रहिएगा, श्री जी के दर्शन पाइएगा, कीर्तन का आनंद लीजिएगा, क्योंकि एज ऑलवेज मैं ये कहती हूँ कि संतों के मुख से निकला हुआ एक शब्द भी हमारा जीवन चेंज कर सकता है। और बाबा की और श्री जी की इतनी कृपा है कि हमें ये अवसर मिल रहा है कि हम उनका कीर्तन सुन पाए, वरना ये आप यकीन मानो या ना मानो, बहुत पापी हैं हम, लेकिन फिर भी श्री जी अपना लेती हैं। बहुत ज़्यादा करुणामयी है हमारी श्री जी, तो आप कीर्तन का आनंद लीजिएगा। पूरा नहीं डालूंगी, ऑब्वियसली पूरी रात होता है तो डालना, उसको रिकॉर्ड करना ही मेरे लिए बहुत टफ है, तो जितना आप सुन पाएँ उतना ही मैं अपलोड करती हूँ। तो आनंद लीजिएगा, कृपा पाइएगा और श्री जी से प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा के दर्शन आप सभी को जल्दी हो। हम सबका प्यारो बरसाना, चलो बरसाने वाली की जय। ऊंची ताली वाली की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने सतगुरुदेव की जय। इतना शांति है हमारे धाम में, हमारे घर में हम जा रहे हैं, मम्मी भी जा रही हैं। पता नहीं कभी कभी मेरी आवाज़ को क्या हो जाता है। वैसे आप देख रहे होगी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, देखा जाए तो मैं बीमार हूँ। पर क्या है ना, एकादशी जैसे आते हैं ना, उत्साह आ जाता है कि नहीं नहीं कीर्तन में जाना है। पहले नहीं पता था, और पहले तो पता नहीं था, मतलब इतने अधम है हमें, पहले पता नहीं था, लेकिन जब से पता चला है तब से तो अपने आप ही श्री जी व्यवस्था कर देती है। मैंने भजन सुना था, बरसाने के बारे में बता रही थी, और वो भाव था श्री जी के धाम ऐसा है कि सोचने से पहले यहाँ काम हो जाता, मतलब हमने अभी सोचा ही है कि हमें जाना है और अपने आप ही व्यवस्था बन जाती है, मतलब श्री जी इतनी करुणामयी है। और यह हमारी श्री जी का महल, जय जय श्री राधे। पर दर्शन आपको सुबह ही होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, फिर भी बहुत अलमस्ती में जा रहे हैं। दर्शन पाइएगा, बाबा के दर्शन पाइएगा भाई, महल में सहचरी प्रकटी है, कुछ तो बधाई बनती है, सब बधाइयाँ गाई हैं, जय जय श्री राधे। मैंने आपको बताया कि बाबा का प्राकट्य दिवस है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो ये हमारा बेहगंज भाई। जैसे मैंने बताया कि उत्सव की खूब खूब तैयारी चल रही है। अरे अरे अरे, कुछ तो भयंकर होने वाला और इतना सुंदर ये चित्रपट है प्रिया कुंज का, हमारा घर, हमारा भी है, हमारा भी कॉन्ट्रीब्यूटर है, हमारा घर इन्होंने बनाया, हमारे घर इतना प्यारा, कोई कैसे ही बना सकता है। हमारे साथ एक प्यारी सी किशोरी है जो अपने चैनल के बारे में पहले बताएगी, बताओ। राधे श्याम, मेरा चैनल थोड़ा तेज,
राधे श्याम, मेरा चैनल है भव्या जोशी क्लासिकल। उसमें मैं क्लासिकल शास्त्रीय गायन की वीडियोस डालती हूँ, तो जाइए, मैं इनका लिंक मेंशन करूँगी कमेंट में, प्लीज़ जाके चेक कीजिए और फॉलो कीजिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। प्रेम से सब बोलेंगे जय जय श्री राधे श्याम। जगत में आप प्रगटे हो, जगत में हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा Hare Krishna.
Hare Krishna,
और हम जा रहे हैं वापस फ्रेशन अप होने। इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। मैंने मतलब मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, सौम्या ने शूट करा है सारा, इस लड़की ने शूट करा है सारा, इसमें हम दोनों आगे पीछे बैठे हुए। तो प्लस मेरी खांसी मेरे को इतना परेशान कर रही थी, तो मैं पीछे आगे की जगह पीछे बैठी हुई थी। अभी भी मेरे से बोला नहीं जा रहा, दवाई खाई मैंने खाली पेट, तो पेट मेरा गड़बड़ा रहा है। क्या करें, करना पड़ता है थोड़ा बहुत। साथ वाला वहीं से तो रास्ता है ना अंदर? नहीं, अपनी माई से पूछ लेते हैं। हम अपनी मैया से, मम्मी कैसा लगा? कीर्तन सो रही थी, तो मैंने देखा था। मैं सोई नहीं। देखना कह रही सो रही थी, मैं कोई सोई थी, जग रही थी। नहीं मम्मी, तुम कीर्तन कर रही थी? कीर्तन कर रहे थे बाबा जी के साथ, कीर्तन किया हमने। अच्छा, साथ में गा रहे थे? और क्या बात है, सारी मर्सी तो मम्मी के ऊपर ही है भाई। मम्मी बाबा के साथ गा रही थी, क्या बात है। हम बाबा के पीछे पीछे गा रहे थे, मम्मी बाबा के साथ गा रही थी। अब देखो हमारी हालत, जैसे हम कभी मूवी वगैरह से आते हैं तो हमारे मुंह पे गाने चढ़ जाते हैं ना, कोई सा भी फेमस कुछ भी हो, ऐसे हम गुनगुनाने लगते हैं। तो हरि नाम में या संकीर्तन में बैठने से, सत्संग में बैठने से एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि हमारी जुबान पे, हमारे रोम रोम में हरि नाम आ जाता है। और जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा कि संतों के मुख से हरि नाम, कुछ भी मिल जाना वो प्रसाद ही होता है। और हम पे तो बाबा ऐसे करुणा लुटा रहे हैं, ऐसे बॉटल से पानी गिर रहा है, करुणा गिर रही है हमारे ऊपर कि पूरी पूरी रात बाबा के। यार मैं क्या बात कर रही हूँ, कह रही मैं बंदरों की तरह सोना चाहती हूँ। सीखूंगे बता, बैठ के चल लेते हैं। मैं चलो, हमने थोड़ा जो हमारा रूम है इस बार थोड़ा दूर है। अरे मम्मी ये आओ, एक ही बात वहाँ जाके जोड़ देगा। मम्मी भी परेशान हो जाती है, अभी पता नहीं कह रही प्रिया कुंज का कौन सा रास्ता है, कौन सा रास्ता, ये रास्ता वो रास्ता। ये तो इतने टाइम बाद आई, ऐसा लग रहा सब भूल गई। तुम सब भूल गए? मम्मी डॉगी को बोल दे राधे श्याम, वो सो रहा है। मम्मी यार मैं वीडियो बना रही हूँ, मम्मी वीडियो बना रही हूँ मैं। तो हमारा जो होटल है, हमने जो इस बार किया है, वो थोड़ा आश्रम से दूर है, बस स्टैंड की तरफ। तो हम जा रहे हैं वहाँ पे, तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो मंगला पे जाने की हालत नहीं है, शायद ना जाएं। अभी वहाँ जाके देखते हैं कि क्या प्लान बनता है, क्या पता मम्मी और सौम्या के लिए चले जाएँ, मैं ना जाऊँ, क्योंकि रेस्ट करना ज़रूरी है। फिर वहाँ बैठ के अब 1 बजे प्रसाद मिलेगा भगवान ऊपर अटारी पे। नहीं नहीं, स्नान नान जरूरी है बाबा। इस बार भी हम दिया बत्ती भूल गए। यस, हम हमेशा आते हैं, दिया बत्ती भूल जाते हैं, श्री जी की आरती उतारने के लिए सब भूल जाते हैं, गुरु पूजा के लिए भूल जा, सब भूल जाते हैं। हम बड़े ही बेकार अधम किस्म के बच्चे हैं, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। हम चाहते हैं अब हमें सौंठे पड़े। क्या पड़े? सौंठे। हाँ, कौन मारेगा? श्री जी मारेंगे हमें सौंठे, तब सुधरेंगे हम। पर नहीं यार, ये कुछ ज़्यादा लंबा रोड नहीं लग रही, अच्छा है बीच में। अभी बीच में बाइक गई, मुझे लगा कुछ ज़्यादा लंबा चला गया। चलो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। आप देखो ये हमारा बरसाना, आई होप आपने कीर्तन का आनंद लिया हो। खूब सबको मंगल बधाई। सहचरी जो प्रकटी हैं हमारी श्री जी की प्यारी प्यारी सखी, हमारे प्रिय बाबा का प्राकट्य दिवस है, उनका आविर्भाव दिवस है, उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। तो बहुत सारी आप सभी को शुभकामनाएं, खूब मंगल बधाइयाँ। और यहाँ तो उत्सव चल ही रहा है, कल भी है, 20 तारीख को भी है, मतलब 20 तो हो गई आज, मतलब आज भी है, आज ही है 19 को भी था, मतलब रात एकादशी की रात में खूब बढ़िया से कीर्तन था, बाबा का श्रृंगार था, अभी कल मतलब आज भी है, 20 तारीख को भी है। तो मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। हरि बोल राधे श्याम, जय जय श्री राधे 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 श्याम।